वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, इस बार हम ही आप हमसे मिलने आएंगे। तो हेलो गाइस, इस तरीके के म्यूजिक पे स्टेटस को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है बीवा कैड एप्लीकेशन है। इसका लोगो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। जब गाइस आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब कुछ यहाँ से आपको कैसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ से आपको इसे कट कर देना है। यहाँ से ये ऐड आ रहा है, क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से आपको अपनी गैलरी में चले जाएंगे। आपको अपनी गैलरी से फोटो वीडियो जो भी सिलेक्ट करना हो कर लेना है। उसके बाद सिंपली गाइस यहाँ सब क्या करना है, सबसे पहले अपने फोटो को सिलेक्ट करना है जिससे आप इस तरीके का कमाल का स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से मैं फोटो सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपको भी कर लेना होगा कोई भी, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, यहाँ से नीचे आता हूँ, देख लेता हूँ, कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। आपको भी क्लिक कर देना होगा। ऐड इस एप्लीकेशन में बहुत आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन। यहाँ से ये हमारा फोटो आ गया। अब इस प्लस वाला आइकॉन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा, लिरिक्स वाली वीडियो को। तो गाइस यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा उस वीडियो को। तो यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, जो भी मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो यहाँ से ये वाली वीडियो आ गई है। ठीक है, इस वीडियो को स्क्रॉल करना है और आगे की तरफ ले आना है। वीडियो आगे की तरफ आ गई, अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपना रेशियो सिलेक्ट करना है, या फिर आप चाहें तो इसी रेशियो में भी स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं रेशियो सिलेक्ट। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैनवास का, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो गाइस देख सकते हैं, अब आपके फोटो वीडियो और इस फोटो को आपको स्क्रॉल करना है, इस तरीके से इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको इसे कर देना होगा, आप अपने हिसाब से करना चाहें। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। मैं आ गया बैक। अब सिंपली गाइस जहाँ से आपने फ़ोटो को ऐड किया है वहाँ पे आपको आना होगा, इस फोटो पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस जहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन का। ठीक है, सबसे पहले ही मिलेगा शायद ये एनिमेटर का है। यहाँ से आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला मिल गया, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बहुत सारे एनिमेशन आ जाएंगे, आप सिंपली किसी भी एनिमेशन को लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। डाउनलोड करना है और आपको उसे लगा लेना है। कितने सारे एनिमेशन मिल जाते हैं, किसी को भी आप लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, बैक आ जाना है। अब सिंपली गाइस यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टैप टू ऐड म्यूजिक, सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है, मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से आ रहा है एस्टेक्स म्यूजिक फ्रॉम वीडियो, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी गैलरी में जाना है और म्यूजिक वाली वीडियो को आपको ऐड कर लेना होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करने वाला हूँ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ से म्यूजिक वाली वीडियो को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये वाली रही। तो इस पर मैंने क्लिक किया, ऐड पे क्लिक कर दिया, इसका म्यूजिक आ गया है। ठीक है, म्यूजिक को सिलेक्ट करके आगे की तरफ ले जाना है। इतना रहा म्यूजिक हमारा लग चुका है। जितना म्यूजिक होगा उतना आप अपने स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से फोटो की लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, अब म्यूजिक को देख लेता हूँ। जितना म्यूजिक है उतना ही आप फोटो की लेंथ को रखें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपने फोटो को ऐड किया है वहाँ पे आपको आना होगा। आने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको बताऊँ VFX का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरीके से आपको स्क्रॉल करते रहना है और यहाँ से आपको एक VFX मिल जाएगा। कौन सा मैं आपको बताऊँगा अभी, ये ग्लो स्कैन बन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, सबसे पहले तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके रखना है, क्लिक करके रखना है और जहाँ तक आपको फोटो वीडियो है वहाँ तक आपको ले जाना है। मैं ले गया, अभी देख लीजिए कई इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना, बैक आ जाना है। तो देख लीजिए कई इस तरीके का कुछ इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो गई जहाँ से इफेक्ट लग चुका है, अब जहाँ से आपने फोटो को ऐड किया वहाँ पे आपको आना होगा। उसके बाद गई जहाँ से आपको ओवरले का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब गई जहाँ से आपको कलर इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड करना होगा, तो गई जहाँ से मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिया है, डन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो के आने के बाद सिंपली इस वीडियो को जहाँ तक आपको फोटो है वहाँ तक आपको रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको करना होगा हेडलाइट। तो देख लेता हूँ मैं कहाँ पर है हेडलाइट, ये रहा। तो आपको हेडलाइट करने के बाद इस तरीके से आपको इसकी लेंथ को बढ़ा देना है, पूरी स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का। ठीक है, आपको फिर से इसी पर क्लिक करना होगा,
इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आपको नीचे आना होगा, एक पार्टिकल इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो गाइज जो भी मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद ऐड पे आपको क्लिक कर देना है, पार्टिकल्स वाली वीडियो आ गई इसको सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको पूरी वीडियो में कर देना है। उसके बाद वीडियो बढ़ी है सिंपली आपको उसे ट्रिम करना होगा, तो स्प्लिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जो भी पार्ट बचा है इसको हम डिलीट कर देते हैं, आपको भी कर देना होगा। उसके बाद जो भी वीडियो हमने सिलेक्ट की थी ब्लैक स्क्रीन वाली आपको उसे सिलेक्ट करना है, नीचे आना होगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ और आपको इसे स्क्रीन कर देना होगा। स्क्रीन कर देंगे तो इस तरीके का पार्टिकल्स इफेक्ट आ जाएगा जो देखने में काफ़ी गजब का लगेगा। उसके बाद आपकी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, म्यूजिक व्यूजिक सब कुछ लग चुका है, सिर्फ आपको इस वीडियो को अपने फ़ोन में सेव करना होगा। तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप 1080p में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 720p में, ये आप पर डिपेंड करता है। तो गाइज यहाँ से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होनी चालू हो गई है और एक्सपोर्ट भी हो गई है। लेकिन गाइज यहाँ से आपको नीचे की तरफ एक ऐड देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो का, देख लीजिए यहाँ आ रहा है मेड विद बीबा कट, क्योंकि जिस एप्लीकेशन से हमने एडिट किया उसका लोगो देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके लिए हटाने के लिए आपको जाना होगा कैन मास्टर एप्लीकेशन में, तो कैन मास्टर एप्लीकेशन आप लोगों के पास होगा, आपको उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली गाइज क्या करना है, यहाँ से आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को आपको सिलेक्ट करना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि उसी रेशियो में सारे स्टेटस होते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा, इमेज पे क्लिक करने के बाद ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, इसकी लेंथ को आपको बढ़ा लेना होगा। उसका शुरू में आना है लेयर वाले ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, जो वीडियो भी आपने एक्सपोर्ट की थी उस वीवा कट एप्लीकेशन से आपको सिंपली यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी वीडियो आ चुकी है, अब इस वीडियो को हटाना है हमें, तो सिंपली आपको इस तरीके से इसे बड़ा कर देना होगा बस, और जहाँ तक आपकी वीडियो वहाँ तक आपको रख लेना है। तो गाइज अब यहाँ से आपको कोई भी लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा और आपकी वीडियो काफ़ी बेहतरीन बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद यहाँ से एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को शेप कर लेना है, सारा मटेरियल लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।